अधेड़ का शव नाले में मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगला गोवर्धन निवासी 55 वर्षीय जगन्नाथ उर्फ पप्पू पुत्र महावीर साके बुधवार की शाम से गायब थे, जिनका शव गुरुवार की सुबह भांबत चौराहा स्थित पुलिस चौकी के निकट एक नाले में पड़ा मिला है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बाहर निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि मृतक पप्पू चौराहे के निकट पड़ाके की ठेली लगाता था। बुधवार की शाम से जब मृतक घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मृतक पप्पू नहीं मिला। उसके बाद सुबह सूचना मिली कि पप्पू का शव नाले में पड़ा है। ये भी जानकारी मिली है कि मृतक पप्पू शराब पीने का आदी था। शव मिलने के बाद उसकी जेब से प्लास्टिक का खाली गिलास नमकीन भी बरामद हुई है। सिर से खून भी निकल रहा था। घटना के बाद से परिवारजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पापा जी का नाम क्या था? जगन्नाथ। अच्छा, कहाँ के निवासी थे ये? नगला गोवर्धन। अच्छा, क्या कैसे सब मिला है इनका? कहाँ पर मिला है सब? आपको सूचना कब मिली थी? 8:30। कहाँ पर बॉडी मिली है? हमारे देवर का सब है, नाला में मिट्टी मिली इनकी। अच्छा, कब से ये मतलब वहाँ से घर पे नहीं पहुँचे थे? फिर आप लोगों ने ढूंढ की थी उनकी? रात 12 बजे तक सब लोग ढूंढते रहे। अच्छा, तो नहीं मिले। तो आज सुबह सब कहाँ मिला इनका? अच्छा, नाले में पड़ा मिला।